हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ब्रिज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल यूनिक रियल्टर्स। जैसा कि व्यूअर्स और क्लाइंट लोग का बहुत मुझे काफ़ी दिन से मैसेजेस आ रहे थे, बहुत से लोगों का कॉल आ रहा था कि मीरा रोड या भाईंदर के बीच में कुछ हमको दिखाइए। तो आज उन्हीं व्यूअर्स और उन्हीं कस्टमर्स की पसंद के लिए मैं एक 1 BHK काफ़ी सर्च करने के बाद में ये इंद्रलोक एरिया में एक 1 BHK का फ्लैट लेके आया हूँ, जो कि एकदम सेंट्रली लोकेटेड है मीरा रोड और भाईंदर के बीच में। यहाँ से आपको दोनों मीरा रोड स्टेशन और भाईंदर स्टेशन की दूरी लगभग सेम है। तो अकॉर्डिंग टू आपकी नेसेसिटी, आपको कन्वीनियंट कैसा रहता है, क्या कन्वीनियंट पड़ता है, आप बस ट्रैवल करते हो तो हाईवे भी यहाँ से आपका वॉकेबल डिस्टेंस है, 5 to 10 minutes वॉकेबल डिस्टेंस पे मीरा भाईंदर हाईवे है। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट करते हुए बिल्डिंग का लोकेशन, बिल्डिंग का एलिवेशन सब देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में इसके देख रहे हैं तो बाजू में BMC का बहुत बड़ा गार्डन है, और राइट हैंड साइड में आप चले जाते हो तो RBK इंटरनेशनल स्कूल आ जाता है। ये देखेंगे बिल्डिंग का हाइट काफ़ी अच्छा है, एलिवेशन बहुत खूबसूरत है, कॉर्नर की बिल्डिंग है। बिल्डिंग ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, इसका पजेशन भी 1 से 2 महीने के अंदर में ही है। ये अपना फ्लैट है 1 BHK, इसका हॉल एरिया है, हॉल भी पूरा फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। फिनिशिंग वर्क बाकी है, जो कि 1-2 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट होकर के आपको मिल जाएगा। इसका बालकनी है, काफ़ी बड़ा बालकनी, 5 से 6 फीट का बालकनी है इसका, और सामने का व्यू भी देख रहे, पूरा ओपन, पूरा रोड व्यू है दोनों साइड। राइट साइड जाइए या इसके लेफ्ट साइड देखिए, दोनों साइड से पूरा रोड, मेन रोड दिखता है। ये रोड सीधा जा कर के भाईंदर ईस्ट से चला है, सीधा गोल्डन नेस्ट इंद्रलोक होते हुए, GCC क्लब होते हुए वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे निकलता है। राइट हैंड साइड में इसका कॉमन वॉशरूम आ जाता है। कॉमन वॉशरूम में पूरा फिटिंग लगना बाकी है, जो भी पूरा जैगुआर का लग के मिलेगा आपको। हाइट अच्छा है इसके कॉमन वॉशरूम का। और लेफ्ट हैंड साइड में इसका ये किचन आ गया है, किचन भी काफी स्पेशियस है। दोनों साइड प्लेटफॉर्म दिए, राइट साइड लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड के प्लेटफॉर्म के बाजू में देखो रेफ्रिजरेटर रखने की जगह है। ड्राई बालकनी आ गया, ड्राई बालकनी भी 5-5.5 फीट का है, जो कि काफ़ी बड़ा है। इसका भी व्यू पूरा देखेंगे आप, पूरा ओपन है दोनों साइड से। तो अब आ गए हम इसके मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम के ये लेफ्ट में आप जो देख रहे हो, ये पूरा कबर्ड का खांचा है, इसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। ये इसका छोटा सा स्टैंडिंग बालकनी है, स्टैंडिंग बालकनी का भी व्यू आप देखोगे राइट साइड से या पूरा लेफ्ट साइड से, हर तरफ से ओपन है, 4 रास्ता दिखेगा। ये मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। ये सामने जो डोर दिख रहा है, ये डोर के पीछे ही इसका बिग बालकनी जिसका बात हो रहा था शुरू से, वही है। ये काफ़ी वाइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी बड़ा स्पेस है, इसको आप अपने हिसाब से स्टोरेज बनाओ या इसको गार्डनिंग करिए या अपने हिसाब से झूला लगाइए शाम को बैठने के हिसाब से। काफ़ी अच्छा पूरा ओपन व्यू के साथ में, चारों तरफ से इसका व्यू, हर तरफ से राइट में जाइए पूरा या इधर इसके लेफ्ट में आइए, हर तरफ से ओपन है, 4 रास्ता हर तरफ से दिखेगा आपको। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपने देख लिया, फ्लैट आपने देख लिया। अगर कुछ भी आपको इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे 9867999830 पर कॉल कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, इसी तरह मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।